Students, today I am going to tell you how to prepare general awareness for your exams. आज हम आपको बताएंगे कि general awareness की तैयारी कैसे करें. सबसे पहले आपको इसके लिए कुछ research work करना पड़ेगा जो आप exam के लिए preparation करना है general awareness. सबसे पहला point जो हम cover करेंगे department और industry. आप जिस exam के लिए preparation कर रहे हैं वो किस department का है, किस industry का है. जैसे मान लीजिए आप banking के लिए preparation कर रहे हैं तो आप उसके उसके लिए कुछ important terms cover कीजिए. जैसे banking के related terms हैं CRR होती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR होती है. इसी तरह अलग डिपार्टमेंट, अलग इंडस्ट्री के अलग अलग टर्म्स होती हैं, उसके बारे में कुछ नॉलेज गेन कीजिए तो आपका एक पॉइंट कवर होगा. दूसरा जो पॉइंट है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है. पैटर्न से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि मान लीजिए आपके एग्जाम का पैटर्न जो है तो आपके लिए आपको उस एग्जाम में अपनी जीके के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करना है. मान लीजिए 2 घंटा एग्जाम है उसमें 1/4 जो क्वेश्चन आपके जीको के कवर करते हैं तो आप उसके लिए 20 मिनट 25 मिनट अपना अलग से डिसाइड पहले प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमें इतने मिनट जीको को अटेम्प्ट करना है. पैटर्न से आप ये भी देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें कम से कम जो क्वेश्चन आपको श्योर है उसको अटेम्प्ट कीजिए. अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा. उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हम कवर करते हैं वो है प्रीवियस पेपर. जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसके कुछ प्रीवियस पेपर इकट्ठा कीजिए, उसके हिसाब से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह के क्वेश्चन, उसका माइंडसेट कैसा है, किस तरह का क्वेश्चन वो पूछता है, तो अब उसको प्रिपेयर करने में बहुत इजी रहेगा. फोर्थ पॉइंट जो है कि लेवल ऑफ अथॉरिटी. लेवल ऑफ अथॉरिटी से हमारा मतलब है जैसे आप मान लीजिए स्केप आप स्टेट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको स्टेट के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज इकट्ठा कीजिए. जैसे मान लीजिए कि आप स्टेट से हैं तो आपको स्टेट का एरिया, उसकी इंपॉर्टेंट जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं मेन, स्टेट्स की जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, स्टेट के अलग अलग टर्म्स हैं, स्टेट के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके बारे में नॉलेज गेन कीजिए तो आपको कवर होगा. अगर आप किसी नेशनल लेवल के लिए पूरे ऑल ओवर कंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कंट्री की न्यूज़ बतानी चाहिए, करंट टॉपिक, जो कंट्री के जो मेन मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कंट्री के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, कंट्री की जो टर्म्स चल रही हैं आजकल, उसके बारे में नॉलेज देनी चाहिए. फिफ्थ पॉइंट जो हम कवर करेंगे करंट इशू, पर्सन इन न्यूज़. जो आजकल हमारे पर्सन करंट जो न्यूज़ चल रही हैं टीवीज पे, मैगजीन्स में, करंट मैगजीन जो आती हैं मंथली उसको कवर कीजिए. जो आजकल टॉपिक चल रहे हैं उसको कवर कीजिए, वो पूछते हैं कई बार. बाकी जो करंट न्यूज़, पर्सनल न्यूज़ है, जैसे कोई रिसेंटली कोई कप हुआ है, कोई ट्रॉफी हुई है, उसको जिसने विनिंग किया है या लूजर है, कितने स्कोर से, कितने मार्जिन से विन किया है, ये आप कवर कीजिए तो आपके करंट इशू कवर होंगे. इसी तरह अपने एग्जाम को थोड़ा रिसर्च वर्क कीजिए, उसको प्रिपेयर कीजिए, तो जरूर अपना एग्जाम क्लियर करेंगे. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स.